ਆਮੇਸ ਮਿੱਠਾ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਸਿੱਖਾ ਬਧਿੰਗ ਸਮਾਧਿਆਮੀ ਆਮੇਸ ਮਿੱਠਾ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਸਿੱਖਾ ਬਧਿੰਗ ਸਮਾਧਿਆਮੀ बौद्ध साहित्य में जातक कथाओं का बहुत अधिक महत्व है। एक जातक कथा का नंबर है 440। इसका नाम है कर्ण जातक। कर्ण जो बोलते हैं, पाली भाषा में बोलते हैं काला या साम रंग, यानी कि श्याम रंग। मगर इसको अगर संस्कृत भाषा में हम देखेंगे तो कर्ण को बोला जाता है कृष्ण। क्योंकि आधा रे और शे पाली में नहीं होता, इसलिए ये संस्कृत शब्द है जो कर्ण का कृष्ण बनाया गया या कर्णा का कृष्ण बनाया गया। इसको साम बोलते हैं, साम का मतलब श्याम बोलते हैं। शे पाली में नहीं होता, मगर साम और श्याम एक ही मतलब होते हैं। जो काले लोग होते हैं भारत के, उनको साम बोलते हैं, और जो काली महिला होती हैं ये सामा नाम से आती हैं। सामा का जिक्र आगे भी कई कथाओं में आएगा, साम का भी आएगा। जो काले लोगों की वेदनाएं होती हैं, जो शरीर के अंदर उन्हें अनुभूति होती है विपश्यना के समय, और जो उन्होंने देखी और भाली, उसको साम वेदनाएं बोलते हैं, यानी साम वेद या साम वेदनाएं बोलते हैं। ये काले लोगों के लिए वर्ड आता है। ये जितने भी काले लोग हैं, ये अधिकतर अपने सर पे जंगली जानवरों के, क्योंकि ये मोर रहे हैं तो मोर के पंख लगाते हैं, और ये गायों को चराते हैं, इसलिए गायवंशी या गौवंशी भी होते हैं। और ये भिक्कुओं का, क्योंकि गौ को भिक्कू भी बोलते हैं, गौतम से गौ बना हुआ है, इसलिए भिक्कों के आसपास भी रहते हैं। अगर कोई गोविंदा है तो गोविंदा का मतलब है विंधन, विनंद। विनंद का मतलब गौ, विनंद का मतलब है, विनंद का मतलब होता है घेरा चारों तरफ। विनंद अगर कोई शब्द लगाता है और गौ का है, यानी भिक्कों से घिरा हुआ है, तो वो गौ विंदा हो जाएगा, विंदा हो जाएगा। ऐसे ही ये जो वृंदावन है, शब्द है वृंदावन, शब्द का मतलब होता है विनंद वन। विनंद मतलब है जो चारों तरफ से घिरा हुआ वन हो, उसको विनंद वन बोलते हैं पाली के अंदर, या बाद में इसको संस्कृत भाषा के अंदर वृंदावन बोला गया। ये सारा का सारी जो जातक कथा है, इसका जो क्षेत्र है वो मथुरा और मथुरा के आसपास का है। आपने पहले जो वीडियो देखी है जिसमें गोवर्धन या गौवर्धन या गौ धम्मवर्धन, यानी गौतम का जो धम्म है उसके बारे में, या जो आपने मथुरा मौथेरा महाथेरा मथेरा जो शब्द आपने देखे हैं वो सारे के सारे उसके अंदर दिए हुए हैं, या आपने गोरख देखी हो जिसमें गोरखा शब्द है या गोरखा शब्द है, वो सारे के सारे वहीं उसी क्षेत्र के हैं। क्योंकि वहां के लोग अपने सर के ऊपर मोर पंखी लगाते थे, और वो बेसिकली मौर्य और जो अहिर हैं वो एक ही फैमिली के लोग हैं, जिनको यदु बोलते हैं, वो दोनों एक ही हैं। बहुत पहले के अगर आप जाएंगे तो पाली के साहित्य में जो मौर्य शब्द है या जो मोर शब्द है और जो यदु शब्द तो मिलता नहीं, अहिर मिलता है, यानी अर्य मिलता है। अहिर का मतलब है जो अरत हो जाते हैं, वो शब्द इसमें मिलता है। ये एक ही फैमिली के दोनों भाई भाई लोग रहे हैं, और उस समय इस क्षेत्र में चारों तरफ में इन लोगों ने बहुत ज्यादा शिक्षाएं हासिल की। जो अरत होते हैं वो अहिर बने, वो शिक्षा का उच्चतम लेवल होता है, और मौर्य इसमें सबसे आगे रहे, इसलिए ये दोनों परिवार दोनों वंशज लगभग लगभग आज की डेट में अलग हो, मगर उस समय ये एक ही फैमिली के लोग हुआ करते थे। कोई घटना रही होगी, वो घटना अगर खोजेंगे तो मिल जाएगी क्या घटना थी क्या नहीं थी। उस समय जो लोग वहां सीखते थे और जो सिखाया जाता था, जो काले लोग होते थे, साम लोग होते थे, वो विपश्यना शब्द नहीं था। यहां इस क्षेत्र में इसको योग बोलते हैं। योग माने होता है आसक्ति और अटैचमेंट। जैसे कहते हैं कि इसको लगा योग का रोग, आपने गाना सुना होगा लगा योग का रोग। लगा योग का रोग का मतलब है कि इसे आसक्ति का रोग लग गया, अटैचमेंट का लग गया, राग का रोग लग गया, यानी कि इसे कुछ चीज चाहिए चाहिए चाहिए, चाहे वो किसी स्त्री का प्रेम है, चाहे किसी पुरुष का प्रेम है, चाहे उसे पैसे का प्रेम है, चाहे उसे पढ़ाई लिखाई का और विद्या का प्रेम है, या उसे खेत खलिहान में काम करने का बहुत ज्यादा राग लग गया है। अगर राग लग गया है तो वो आसक्ति हो गई, वो अटैचमेंट है, और उसको योग बोला जाता है। इस योग से मुक्ति दिलाने के लिए वहां बहुत ज्यादा क्लासें लगती थी, और आपने बहुत पहले पदों में पढ़ा होगा, क्योंकि हम पढ़ते थे जब 9th और 10th में थे, सूरदास के पद, उसमें कुछ जो वहां की महिलाएं थी जिनको गोपी बोलते थे। गोपी का मतलब है जो वहां गाय चराने वाले लोग हैं वो महिलाएं, या जो बौद्ध भिक्कुओं के परिवारों की महिलाएं हैं उनको गोपी बोलते थे। तो गोपी शिकायत करती हैं कि भाई
अगर सिखाने वाले चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो उनको ऐसा बताया गया कि आप योग कीजिए। योग का मतलब है कि आप विपस्सना कीजिए। और योग योग खेम एक शब्द आता है पाली के अंदर। खेम माने होता है शांति रखना या सेफ्टी रखना या बिल्कुल उसको जीरो करना, जो भी आपको असर है। और योग खेम का मतलब है कि जो आसक्ति हुई है उसको शांत करना, उसको खत्म करना या उससे मुक्ति पाना। ये योगिक खेम का एक शब्द आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां सारे क्षेत्र के अंदर योगिक खेम की जो शिक्षा है, यानी कि राग को घटाने की, शांत करने की शिक्षा चारों तरफ दी जाती थी। ऐसी शिक्षा के कारण ही जो मथुरा था वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनी। आपने मथुरा का एक स्तूप देखा होगा, और अगर मथुरा आप जाएंगे तो वहां आपको एक नेशनल म्यूजियम मिलेगा जिसमें जगह 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 बुद्ध की पत्थर की मूर्तियां हैं। पत्थर की मूर्तियां वहां और भी बहुत हैं, अगर वहां खुदाई करेंगे तो मिल जाएंगी, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा फर्टाइल था। और वो लोग नागवंशी थे। आपने शेषनाग का नाम सुना होगा कि यमुना के अंदर एक शेषनाग की घटना थी। उस शेषनाग क्योंकि शेषनाग 12 नागों में राजा रहे हैं, और ये अनंतनाग से फैमिली चली है जो चारों तरफ बिखरी है और चारों तरफ आई है। तो शेषनाग का यहाँ वर्चस्व रहा और यहाँ उन्होंने राज किया, तो इसलिए उनका नाम आता है। तो इससे पता चलता है कि वो काले जो लोग थे वो सारे के सारे नागवंशी लोग थे, जो बुद्ध की विचारधारा या बुद्ध की एजुकेशन से अपने आप को योग सीखा करते थे। और योग का मतलब है कि योग खेम, यानी कि अपने रागों को शांत करने के लिए। और जो भगवान ने जो गीत दिए, यानी गीत को पाली के अंदर गीता बोलते हैं। अगर बहुत सारे गीत हों, एक गीत को बोलेंगे गीतो, और बहुत सारे अगर गीत हों तो उनको बोलेंगे गीता। जैसे एक बुद्ध होता है तो उसको बोलते हैं बुद्धो, और बहुत सारे अगर बुद्ध हों तो उनको बोलते हैं बुद्धा। ऐसी अगर एक गीत है तो उनको गीतो, और अगर बहुत सारे गीत हैं तो गीता। तो भगवान ने जो वत कहे, वत माने होता है, वतती माने होता है, वदंती या वदती माने बोलता है या कहता है। तो भगवान ने जो वहां पे गीत दिए, जो वत किए या वदती किए, वो भगवत हुए और उनसे वो गीत बने। वो सारे सारे गीत टोटल उन लोगों के आसपास में अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए, राग और द्वेष से मुक्त होने के लिए जो वो योग करते थे उसमें वो काम आते थे। इसलिए चारों तरफ वहां बहुत अच्छा वातावरण था। और विज्जा का, यानी कि जो ब्रिज जिसको हम वृंदावन बोलते हैं, यानी कि जहां चारों तरफ घेरा होता था, वहां वो लोग आते थे और वहां जाके सारी साधना और सारा योग किया करते थे, सारे तब क्या करते। इसलिए आपने देखा होगा कि अधिकतर जो नाम है वो योगी है, योगिता है, या योगेंद्र है, योगेश है, योगी राज है, योग राज है, ये नाम है। और योग को जोग भी बोला बाद में, क्योंकि यहाँ की भाषा में जय ज्यादा चलता है। जैसे जे काम कर ले, जे का कर रहा है, जा में तो ये हो जाएगा, जा में तो वो हो जाएगा, जाए तो ऐसा करो, जाकू तो ऐसा हो गया, तो जे शब्द बहुत चलता है। जो कि बहुत लोग इसको लगाते हैं, जय की जो की, तो जय शब्द यह की जगह चलता है। इसलिए योग को जोग भी बोलते हैं। तो नाम यहां पड़े जोगी, जोगना, जोगेंद्र, जोगेश, जोगराज, ये नाम और योग वाले दोनों सेम हैं। पाली में जय शब्द नहीं मिलता, योग मिलता है, मगर यहाँ की लोकल भाषा में यह का जय बना दिया, इसलिए यहाँ योग को जोग भी बोला जाता है। जैसे आपने गाना सुना होगा जोगी जी, आपने सुना होगा जो जोगी जी, तो ये जोगी जी वाले जितने गाने हैं ये सारे यहीं के लोक गीतों में चलने वाले गाने हैं। एक बात और है, उस क्षेत्र में पुरुषों की जो हेला वाला दिन होता है, जिस दिन होली होती है, उस दिन पिटाई भी होती है। ये डंडे से पिटाई होने का क्या कारण है और क्यों उनकी पिटाइयां औरतें करती हैं? क्योंकि भारत में औरतें अगर पिटाई करती हैं तो कर सकती हैं, क्योंकि महिला प्रधान देश रहा है, मगर एक खास दिन में करती है तो कोई घटना वहां निश्चित रही होगी। अगर साहित्य खंगालेंगे तो घटना का जिक्र आपको मिलेगा कि वो होली खेलने के बहाने उनकी डंडों से पिटाई क्यों कर रही हैं, ऐसा कौन सा काम उन्होंने किया जो कि उनकी वहां पिटाई हर साल हो रही है। और जैसे उपोषत होता है, उपोषत चार बार होता है भारत के अंदर, और उपोषत एक अष्टमी को होता है, यानी अष्टमी को होता है, दो अष्टमी आती हैं, एक अमावस को होता है और एक पूर्णमासी को होता है। महीने में चार बार उपोषत होता है। उपोषत में वारित रहते हैं, यानी कि वारित नियमों का पालन करते हैं, जो व्रत रहने के नियम है। व्रत का मतलब है कि पांच चीजों से वारित रहेंगे, बिल्कुल अलग रहेंगे, जिसमें चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, हत्या नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, ये असुरा मेर मज्जा से पमाद उठाना, यानी कि
नशे और नशे के पदार्थों से अलग रहना है। इसके अलावा तीन नियम और भी होते हैं कि ऊंची सैया पे नहीं सोना है, और एक नियम आता है कि कोई अगर चंदन वंदन का लेप है या कोई तेल वगैरह का लेप है तो वो लेप नहीं लगाना है, कोई आभूषण नहीं पहनना है। ये इस तरह के आठ नियम होते हैं, इनको आठ वारित नियम बोलते हैं। आठ वारित नियम का पालन किया जाता है जब भी अष्टमी होती है। वहां उस क्षेत्र के आसपास में आप जाएंगे तो आपको एक पाली खेरा गांव का नाम मिलेगा। पाली खेरा का मतलब है पाली थेरा, यानी कि वहां पाली चलती है, पाली सिखाई जाती है, और पाली थेरा पाली खेड़ा का नाम पाली खेरा पड़ा। एक वहां जाएंगे तो नीचे एक गांव मिलेगा पंचारी नाम का। पंचारी का मतलब है पंचशील की चरिया, यानी जो पंचशील है उसकी चरिया, इसलिए उस गांव का नाम पंचारी पड़ा। थोड़ा आगे जाएंगे तो एक गांव का नाम है नांगला। नांगला का मतलब है जहां नाग लोग रहते हैं, और ये नांगला पंचारी और ये पाली खेड़ा, ये सब इस बात के बहुत पुराने सबूत हैं कि यहां बहुत पहले पाली पढ़ाई जाती थी। यहां बहुत ज्यादा जो थेरा लोग थे, थेरी लोग थे, वो रह जाते थे, और यहां पंचारी का मतलब है कि पंचशील की यहां चरिया चलती रहती थी। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो ये बताती हैं कि ये क्षेत्र कितना विशाल एजुकेशन का रहा, और मथुरा यूनिवर्सिटी पूरे नॉर्थ में सबसे ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी और सबसे अच्छी ज्यादा यूनिवर्सिटी रही। एक शब्द आपने सुना होगा, खासतौर से जो कबीरपंथी लोग हैं उनमें बहुत सारे लोग मोथेरा हैं। मोथेरा, मोथेरा कई बार ऐसा आभास देता है कि जैसे ये कहता है ये तो बड़ा मोथेरा है। पुराने जो लोग हैं वो किसी बहुत ज्यादा बच्चा बड़ा चंचल हो, बहुत ज्यादा वाक चतु हो, बहुत ज्यादा बातचीत करता हो, दिमाग से तेज हो, या किसी की ना सुनता हो, बहुत सारी बातें काटता हो अपने तर्क से, तो उसको कहते हैं ये तो बड़ा मोथेरा है। तो मोथेरा जो आता है वो एक पॉजिटिविटी में आता है, यानी कि बहुत तेज सरार और बहुत ज्ञानी जो लोग होते थे उनको मोथेरा बोलते थे। और मोथेरा आज भी लोग हैं जो कबीर पंथियों में खासतौर से पाए जाते हैं। कई बार वो माथुर या ऐसा करके भी लिख लेते हैं अपने नाम के आगे, मोथेरा की जगह माथुर कर लेते हैं। जो लोग लिखते हैं, जो लोग जानते हैं, वो इसको समझते हैं। आपने अगर पाली पढ़ी हो या पाली देखें ध्यान से, तो एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं मथ। मथ माने होता है कि जैसे आटे में आपने पानी डाल दिया और उसको आपने मिलाया, तो उसको कहते हैं मथना या मिक्स करना या उसे मिलाना, ये मथना हो गया। और पाली में कहते हैं मथती, यानी कि मथता है, अगर उसको मथता है यानी मिक्स करता है तो उसको बोलते हैं मथती। और मथक बोलते हैं जो मस्तक होता है, यानी कि जो फोरहेड होता है, जैसे मेरा ये फोरहेड है, इसको बोलते हैं मथक या मस्तक। एक शब्द और आता है जिसको बोलते हैं मथलूंग। मथलूंग, लू के बाद में आधा ने लगता है, आधा डे लगता है बेसिकली, तो मथलू। मथलू का मतलब है दिमाग या ब्रेन। ये शब्द क्योंकि बोलने में बड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए इसको बोलने में बहुत कम बोला जाता है, ये लगभग लुप्त सा हो चुका है मथलू। मगर जो मोथेरा शब्द है वो लुप्त नहीं हुआ। वो लुप्त इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप मथ क्या रहे हो, बेसिकली आप मथ रहे हो मथक को। मथक का मतलब है अपने मस्तिष्क को मथ रहे हो, मथलू को मथ रहे हो। मथलू का मतलब है दिमाग को मथ रहे हो, और जो जहां आप मथ रहे हो उस जगह को मोथेरा बोलते हैं, या वहां के लोगों को मोथेरा बोलते हैं, उस जगह को मथुरा बोलते हैं। ये लगभग सारे शब्द जा चुके हैं, एक माथुर, एक मोथेरा और एक मथुरा, ये तीन शब्द बचे हुए हैं, और एक मथ बोलते हैं। मथ का बन गया मथु। पुराने समय में ये मथु होता था जो मथ बन गया, यानी कि आपने दही को मथा और दही मथने के बाद जब उसका पानी निकाल दिया, उसमें से लोनी बाहर निकाल दी, तो जो लोनी बची और जो मट्ठा बची उसको बोला आपने मथु, यानी वेस्ट फेंक दिया आपने, और जो सार रह गया उसका मथु बोलते हैं। ऐसे पुराने समय में जो लोग पढ़ने आते थे मथुरा के अंदर, मथुरा यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां जितने भी यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ते थे वो आपस में एक दूसरे को मथते थे अपने मथक से, यानी कि मस्तिष्क से, और मथलू से, यानी कि दिमाग को मथते थे, और दिमाग में से जो बेकार की चीज है, जो राग द्वेष है, उनको निकाल देते थे, और जो अच्छी चीज बचती थी उसको मथु बोलते थे। इन मथुओं को बाद में मोथेरा बोला गया, और मथुरा नाम वहां से पड़ा हुआ है। ये मथुरा के अंदर एक नेशनल म्यूजियम है, एक राष्ट्रीय संग्रहालय है। अगर आप उस राष्ट्रीय संग्रहालय में जाएंगे तो आप वहां पाएंगे कि वहां बुद्ध की यूनिवर्सिटी के समय की, जो बुद्ध के बाद यूनिवर्सिटी बनी, जो वहां महाथेराओं ने बनाई, वो यूनिवर्सिटी में बहुत सारी बुद्ध की स्टैचू वहां रखी हुई हैं। आज भी मथुरा में अगर कहीं कोई जगह खोदते हैं तो वहां पर बुद्ध की स्टैचू निकलती हैं। बताते हैं जो चीनी यात्री आए थे उनके वर्णन है कि वहां पे
बौद्धों की बहुत सारे छोटे मोटे स्कूल और यूनिवर्सिटियां थी। बाद में लोगों ने, क्योंकि वहां पत्थर मिलता है तो पत्थर पे कला पे करके भगवान बुद्ध की मूर्तियां भी बना ली, क्योंकि मूर्ति का प्रचलन भगवान बुद्ध ने तो स्टार्ट किया नहीं, आरंभ किया नहीं, उसके बाद में उनके अनुयायियों ने और जो उनसे बहुत ज्यादा प्यार में पड़ गए, उनकी बातों को भूल के उनकी भक्ति करने लगे, उन्होंने वो मूर्तियां वहां बनाई हैं। मगर वो मूर्तियां बहुत सारी संग्रहालय में रखी हुई हैं। मैं आपको यहाँ संग्रहालय के कुछ फोटो दिखा रहा हूँ, वो आप दे देखिए और कभी जाएं तो संग्रहालय को जरूर देखिए, क्योंकि मथुरा पूरा का पूरा क्षेत्र भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे बड़ा केंद्र दिल्ली के आसपास में रहा है, क्योंकि वो यमुना के किनारे है और यमुना के पास में बसा हुआ है। वहां भिक्खु और शिक्षा, खाना पानी बहुत अच्छा मिलता था, इसलिए वहां सेंटर बहुत बड़े बड़े बन गए और वहां चले भी बहुत, इसलिए लोग भोले नहीं। और महाथेरा और जो लोग होते हैं वो मथुरा से भी संबंधित हो सकते हैं, मगर महाथेरा एक अलग है। मगर वहां पे एक गांव है जिसका नाम है पाली खेरा, पाली खेरा एक गांव आज भी है। पाली खेरा दो चीजों से मिलकर बना है, पाली लैंग्वेज यानी पाली भाषा से, और खेरा का मतलब होता है थेरा, यानी थेराओं की पाली भाषा, इसका मतलब पाली थेरा हो गया। एक वहां काली माता का मंदिर भी है, काली देवी का, काली देवी जो बोली जाती है, काली देवी अगर कहीं भी है या काला देवता अगर कहीं भी है तो वो 100% 200% वो भिक्खु या भिक्खुनी थेरा थेरी महाथेरा या महाथेरी या उपासक या उपासिका का वो स्थान रहा है जहां उसने जीवन भर पढ़ाया है, और लोगों ने उसकी स्मृति में कोई स्तूप बना दिया है, जो लिंग जैसे आकार का भी हो सकता है, एक स्तूप बना दिया है, और वो काली माता के नाम से या चंडी माता के नाम से या चंडाल के नाम से जाना जाता है या पहचाना जाता है। ये असुर दस्यु ये सारे शब्द मैंने आपको बताए हैं, आप टीम 22 की वीडियोस को देखते रहेंगे तो आपको सारे जो जितने भी शब्द हैं उनके अर्थ लगातार मिलते रहेंगे। मथुरा का बहुत अच्छा है, मथुरा आप जाइए, वहां जाके देखिए कि कैसे किस समय यूनिवर्सिटियां चलती थी और कौन कौन से अवशेष वहां भी रखे हुए हैं। मथुरा आज भी उतना ही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मथेरा, मथुरा, मथु, महाथेरा, थेरा में कोई अंतर महसूस नहीं होगा। सद्दसार विज या विजवासी, आपने जो बुद्ध वंदना है उसके अंदर एक लाइन सुनी होगी, विज्याचरण संपन्नो लोक विदु। ये जो विज्याचरण संपन्नो आता है इसका मतलब है विज्ञा प्लस आचरण, यानी विज्ञ प्लस आचरण, और विज्ञा का जो मतलब है यहां पे होता है विद्या। विज्ञा जो बोलते हैं वो हायर एजुकेशन को बोलते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अगर एमए या पीएचडी या एमफिल करता है या डॉक्टरेट करता है या डॉक्टरेट इन लिटरेचर करता है या मेडिसिन में करता है, हायर जो हायर एजुकेशन होती है उसको यहां विद्या बोलते हैं। तो जो विद्या जहां लोग रहते हैं और जहां लोग विद्या ग्रहण करते हैं अगर वहां वास करते हैं तो उनको बोलते हैं विज्यवासी या ब्रजवासी या विद्यावासी। तो ब्रजवासी का मतलब हो गया विद्यावासी, और ब्रजवासी जो क्षेत्र है ये जो मथुरा नाम की यूनिवर्सिटी है जो भारत में बुद्ध समय के खासतौर से जो मौर्य काल के समय जो सबसे बड़े बड़े सेंटर थे, सबसे बड़े बड़े एजुकेशन के केंद्र थे, विद्या के सेंटर थे, विद्या के केंद्र थे, उनमें से एक मथुरा आता है जो दिल्ली के पास में पड़ता है। उस मथुरा के अंदर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी में जो लोग रहने वाले थे जो बड़ी बड़ी विद्या या विद्या हासिल करते थे उनको वहां और वहीं रहते थे, तो उसके फेमस हो गया चारों तरफ के ये ब्रजवासी हैं, इसलिए ब्रजवासी का जो नाम है वो बहुत फेमस है। और वाकरण क्या होता है, वाकरण होता है जो वाक माने बातचीत, जो बातचीत में लिप्त रहता है या बातचीत करता है। और वाक्य विहारी क्या होता है, वाक्य विहारी यानी कि वाक करने वाला ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म बिहार में रहे या बिहार का हो, यानी कि किसी बिहार में रहने वाला हो, जैसे जितने भी आराम या बिहार बनाए बाद में जिसमें भिक्खु लोग रहते थे और भिक्खु लोग उसमें विद्या हासिल करते थे, तो भिक्खुओं को वाक बिहारी भी बोला करते थे, यानी वाक्य बिहारी भी बोला करते थे, और वो बिहार करते थे और बिहार में रहते थे। एक कहानी आपने सुनी होगी, एक समय भगवान बुद्ध को जब ये पता चला कि कहीं पर एक यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में बहुत सारे जानवरों की बलि दी जाएगी, मतलब उनको जिंदा काटा जाएगा, मारा जाएगा और फिर पकाकर खाया जाएगा, तो वो अपने भिक्खु संघ के साथ वहां जाते हैं और वहां जो आयोजक होते हैं जिन्होंने हजारों की संख्या में गांव के भोले भाले लोगों के जानवर
जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर काटने के लिए इकट्ठे किए हुए हैं, उनको वहां जाके समझाते हैं कि ये यज्ञ इसको नहीं कहते, यज्ञ का मतलब कुछ दूसरा होता है, किसी की हत्या करके कभी भी कोई पुण्य नहीं कमाया जा सकता, और वो विपश्यना के थ्रू उनको उसको दिखाते भी हैं। ये बात आयोजकों की समझ में आ जाते हैं, और उस दिन के बाद से भगवान बुद्ध का एक नाम और पड़ता है, उनका नाम पड़ता है गौरक्खा, यानी जो आज की डेट में उनके वंशज हैं जिनको गोरखा बोलते हैं, गोरखा या गौरक्खा बोलते हैं, वो जो नेपाल के अंदर हैं और आज भी बड़ी शिद्दत से वो भारत के अंदर बहुत ज्यादा सुरक्षा देते हैं, रक्षा करते हैं, और बड़े ईमानदार और बड़े कर्मठ और बहुत भोले और बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, क्योंकि वो भगवान बुद्ध के उसी वंशज के लोग हैं जिन्होंने तब गौरक्खा की थी, वो आज भी गौरक्खा करने के लिए, गौ की सुरक्षा के लिए, पालन करने के लिए आज भी तत्पर रहते हैं। यहां आपने देखा होगा कि जानवर वहां बहुत सारे बंधे हुए थे, मगर उनको गौरक्खा बोला गया, कहीं भी बैल रखा या भैंस रखा या बकरी रखा या ऊंट रखा या घोड़ा रखा, ऐसा नहीं बोला गया, यानी कि उनको गौरक्खा बोला गया। तो पाली साहित्य के अंदर गौ का मतलब जो होता है वो जितने भी कैटल और जितने भी जानवर हैं उन सबको गौ बोलते हैं, उसमें किसी का कोई लिंग भेद नहीं होता, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे कोई भी तरह का जानवर हो जो चौपाया है और जो मनुष्य के साथ में रहता है, उसको सबको कैटल बोलते हैं, और कैटल को पाली के अंदर गौ बोलते हैं। जैसे जितनी भी नदियां हैं पाली में उन सबको गंगा बोलते हैं, गंगा जो नाम है नदी है, यानी रिवर को ही गंगा कहते हैं, रिवर गंगा है, गंगा रिवर है, यानी नदी और रिवर और गंगा तीनों सेम एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ऐसे ही जो गौ है वो सारे कैटल के लिए आता है, यानी कैटल है अगर जानवर है तो वो गौ है, ये बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल क्लियर बात है। इसलिए आपने कहीं भी भैंस रखा नहीं देखा होगा या भैंसा रखा नहीं सुना होगा, आपने हमेशा गौ रखा ही सुना होगा या गोरखा ही सुना होगा, ये शब्द बिल्कुल साफ साफ है, क्योंकि गौ के यहां पर एक मतलब और भी है। पाली के अंदर जो गौ है उसका एक बहुत सा सिंपल सा एक मतलब यहां और भी निकल के आता है, वो आता है कि जब भिक्कू, जब गौतम बुद्ध, जब गौतम यानी गौ का आप नाम देखिए कि गौतम से गौतम बना हुआ है और गौ से जानवर बने हुए हैं, दोनों सेम है, गौ से हम सारे एनिमल को बोल रहे हैं पाली के अंदर, गौतम जो बना हुआ है उसके पहले दो अक्षर गौ हैं, तो गौ और गौ दोनों सेम है। तो यहां अगर गौचर गांव है, यानी कि पाली के अंदर अगर गौचर गांव है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहां गाय भैंस या बकरियां चरती हैं वो गांव है, गौचर का मतलब है जहां भिक्कू या बुद्ध चारिका करते हैं गांव में, भिक्काटन के लिए जाते हैं, उसको गौचर गांव बोलते हैं। तो गौचर का मतलब होता है भिक्काटन, और यहाँ गौ का मतलब होता है भिक्कू, और अगर यहाँ कहेंगे कि गौ वाला यानी ग्वाला या गाय वाला, तो इसका मतलब होता है कि जो गाय चराने जाता है उसको गौ वाला बोलते हैं, और गौ कुल यहाँ दोनों के लिए आता है, यानी कि भिक्कुओं का भी कुल है, गौतम का भी कुल है, और जो गाय चराने वाले लोग हैं, कैटल चराने वाले लोग हैं, भैंस चराने वाले लोग हैं, घोड़े चराने वाले लोग हैं, हाथी चराने वाले लोग हैं, जितने भी कैटल चलाने वाले लोग हैं उनको भी गौ कुल बोला जाता है, उनके कुल को भी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट और ये क्लियर है, इसलिए कंफ्यूजन आज की डेट में इसलिए होता है क्योंकि भिक्कू लगभग जा चुके हैं और भिक्कुओं के कुल भी लगभग खत्म हो चुके हैं, और जो गोरखा है वो गौरखा से गोरखा बन चुके हैं। तो जितने भी कंफ्यूजन थे, और क्योंकि साहित्य में जो नाम है वो गौ का जाता है, गौ जो होता है वो सभी के लिए बोला जाता है, बेसिकली अगर आप काऊ के लिए बोलेंगे तो गाय बोलेंगे या धेनु बोलेंगे, गौ बछड़े के लिए भी आता है, गौ भैंसे के लिए भी आता है, गौ भैंसिया के लिए भी आता है, गौ बछड़े के लिए भी आता है। और पाली के अंदर एक शब्द और है जिसको महिष बोलते हैं, महिष पुल्लिंग शब्द है, महिष का मतलब भी कैटल ही होता है, ये दूसरा इसका शब्द है, मगर ये साउथ में ज्यादा चलता है। आपने अगर कटप्पा की पिक्चर देखी होगी, आपने देखा होगा कटप्पा को किसने मारा, जो बाहुबली पिक्चर थी, उसमें महिष्मीति करके एक शब्द बार बार आता है, महिष्मीति, आपने महिषासुर सुना होगा, तो महिष्मीति और महिषासुर और महिष, ये जो महिष है ये उधर के जो ब्लैक लोग हैं, क्योंकि काओ का और भैंस का या गाय का जो रंग है या घोड़े का रंग है या जानवरों का रंग है या मनुष्य का रंग है, ये रंग पर्वत पर ठंड में सफेद होते हैं, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे सभी जानवरों के, मनुष्य से लेकर सभी जानवरों के रंग डार्क होते चले जाते हैं, इनमें कोई गौ या काय या भैंस भी अपवाद नहीं है, जो नीचे आ गए वो काले हो गए, जो ऊपर रहे वो सफेद हो गए, बाकी जाति और प्रजाति लगभग उनकी सेम है पूरी दुनिया के अंदर, उसमें कोई अंतर नहीं है, जैसे मनुष्य की सारी जातियां लगभग
सेम होती है, जैसे उनको होमोस्पियंस बोलते हैं वैसे ही ये सबके सब बोले जाते हैं। तो यहाँ जो कंफ्यूजन है वो इस बात का है क्योंकि बहुत ज्यादा जो प्रचार किया गया वो गौ को गाय से कह के दिया गया, जैसे गौदान, गौदान का मतलब है भिक्कू के लिए दान देना, मगर गाय ही दान में चली गई पूरी पूरी, क्योंकि गौदान का मतलब गाय दान नहीं है। गौदान का मतलब है कि कोई भी कैटल अगर आप दान में देते हैं अब के समय में, और उस समय में था कि जब भिक्कू को दान देते हैं उसको गौदान भी बोलते हैं, यानी कि जो भिक्कू आया है उसको अगर कुछ दिया तो वो भी गौदान के रूप में आता है। और गौ भूमि वो होती है जहाँ बहुत सारे भिक्कू रहते हैं, यानी बहुत सारे भिक्कू रहते हैं उसको गौ भूमि बोलते हैं, बिहार बोलते हैं, और बहुत सारे गौ यानी कैटल रहते हैं उसको भी गौ भूमि बोलते हैं। गौधूली क्या होती है? गौधूली वो होती है जब भिक्कू संघ बहुत चलता था तो भिक्कू संघ के पैरों से चलने से जो धूल उठती थी उसको गौधूली बोलते हैं, और जो कैटल चलते हैं उनके पैरों से धूल उठती है उसको भी गौधूली बोलते हैं। तो दोनों ही गौधूली हैं, दोनों ही के मतलब में सेम आता है, मगर चूंकि भिक्कू बहुत आराम से चलते हैं उसलिए उनकी धूली बड़ी ना के बराबर होती है, और गाय बहुत ज्यादा, इसलिए गाय और भैंस या बकरी या ऊंट या घोड़े इनकी गौधूली बहुत ऊपर जाती है, तो गौड़ वो इंपॉर्टेंट होगी, बाकी गौड़ होती चली गई। आपने देखा होगा एक गोठवाल होते हैं, गोठवाल आज की डेट में राजस्थान में लोग होते हैं। गोठवाल को ऐसा कह सकते हैं कि जैसे दिखाई देता है जैसे गाय यानी गौ को या जानवरों को पालने वाले हैं। गौ अट्ठवाल है बेसिकली शब्द, अट्ठ का मतलब है जो आठांगिक मार्ग पे, आठ अंगों वाले मार्ग पे, अष्टांगिक मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, जो भिक्कुओं के वंशजों के परिवार से आए हुए लोग हैं। जैसे एक परिवार में अगर मेरे परिवार में कोई चला गया भिक्कू बन गया और वो अष्टांगिक मार्ग पे चल रहा है तो मैं उसके परिवार का एक मेंबर हो गया, तो ये फ्री में मुझे एक गोत्र मिल गया कि मैं आठांगिक मार्ग वाला, तो गोठवाल हो गया, यानी कि मैं आठांगिक मार्ग में चला भी नहीं मगर मैं मेरे परिवार से जो भिक्कू गया उस भिक्कू की प्रशंसा में मुझे भी लोग गोठवाल कहने लगे यानी अट्ठवाल कहने लगे। एक शब्द है गोबर गणेश, गोबर गणेश बड़े कमाल का शब्द है। गोबर गणेश से अगर आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी गाय ने गोबर कर दिया और हम किसी आदमी को कहते हैं कि ये गोबर गणेश है, उस टट्टी की तरह है, इसमें कुछ नहीं पता है। पहले गोबर गणेश को देखते हैं क्या है। गोवर गणेश, ये बर नहीं है, क्योंकि अगर गोबर से टट्टी होती और गाय की टट्टी होती तो भैंस की टट्टी को क्या बोलते हैं? भैंस बर गणेश, ऐसा नाम आता है, या भैंस बर। ऊंट को क्या बोलते हैं? ऊंट बर। या बकरी को क्या बोलते हैं? बकरी बर। हाथी को क्या बोलते हैं? हाथी बर। मगर यहां सबकी लीद को, सबके ही टट्टी को, सबके गोबर बोला जाता है। इसका मतलब है कि गोबर कैटल को ही बोला जाता है, जानवर को ही बोला जाता है, गोबर यानी किसने मल किया है। मगर यहां गोबर का मतलब मल से नहीं है, यहां गोबर का मतलब है गोवर, यानी कि जो भिक्कू, गो माने भिक्कू और वर माने श्रेष्ठ, जो सबसे श्रेष्ठ है, यानी भिक्कू में जो सबसे श्रेष्ठ है, और सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान बुद्ध सबसे श्रेष्ठ हैं। और गण एस का मतलब होता है, गण माने होता है व्यक्तियों या व्यक्तियों का समूह, जो हम लोग होते हैं उनको गण बोलते हैं। जैसे गणतंत्र है, भारत क्या है? गणतंत्र, यानी कि जितने भी लोग हैं उनके समूह का तंत्र है। तो गण ईस यानी कि जो समूह है, गण जो लोगों का समूह है उसका ईस, इसी का मतलब है ऋषि हो गया, ऋषि का मतलब है इसी, इसी पाली में बोलते हैं, इसी का मतलब जो जानकार है, जो उनका हेड है, तो गणेश बोलते हैं इसको। तो गोबर गणेश एक गाली नहीं है, गोबर गणेश एक बहुत उच्च वर्ड है जो भगवान बुद्ध के लिए बोला जाता है, बाद में इसको गाली बना दिया गया। एक शब्द और आएगा जो आएगा गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत जो शब्द है आज की डेट में जो मान्यता है वो ये है कि मथुरा के पास में एक 8 किलोमीटर लंबा और 100 मीटर ऊंचा एक नेचुरल पहाड़ है। ये पहाड़ अरावली पर्वत श्रृंखला का लास्ट पहाड़ है जो इधर आया हुआ है। जो पहाड़ धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं वहां ये लास्ट पहाड़ मिलता है। राजस्थान में तो बहुत है मगर इसलिए ये लोगों के अट्रैक्शन का कारण और ट्रैवल का कारण है। गोवर्धन पर्वत इसको बोला जाता है, ऐसा लगता है जैसे वहां पे गोबर है और उसका धन है, क्योंकि तो कुछ लोग गोबर का धन भी बनाते हैं, गोबर की एक आकृति बनाते हैं। मगर कुछ लोग कहते हैं कि इसका मतलब है गोवर्धन यानी गाय का वर्धन, यानी गाय को बढ़ाने वाला, गाय को पालने वाला। तो गोवर्धन जो गाय को पालने वाला है ये शब्द सार्थक नहीं है, क्योंकि 100 मीटर ऊंचाई पे जहां पानी नहीं है, जहां घास नहीं है, जहां आप कोई सड़क नहीं है, जहां आप खाना लेके जा नहीं सकते, भूसा चारा लेके जा नहीं सकते, वहां इतनी गर्मी में ऊपर गाय का संवर्धन या गाय का बढ़ाना कैसे हो सकता है?
गाय को बढ़ाने के लिए या गाय का वर्धन करने के लिए एक जंगल होना चाहिए जहां बहुत सारा चारा हो और पानी हो और गाय को ज्यादा परेशानी ना हो। तो ये पर्वत इस शब्द को सार्थक नहीं करता। इसका मतलब ये गोवर्धन का मतलब गाय को बढ़ाने वाला, गाय का वर्धन करने वाला पर्वत नहीं है। मगर दूसरे शब्द में अगर हम देखें इसे तो गौ का मतलब है भिक्कु, यानी भिक्कुओं का वर्धन करने वाला पर्वत। ये शब्द बिल्कुल ठीक है क्योंकि भिक्कु जो है वहां बैठ के तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, विपस्सना करते हैं। तो ये जो गोवर्धन, यानी कि गोवर्धन का अगर हम पूरा थोड़ा सा सब चित्र में और क्लियर करें तो ये है गोवर्धम पर्वत, यानी गौ माने भिक्कू हो गया, वर माने श्रेष्ठ और सबसे अच्छा हो गया, एक्सलेंट हो गया, धम माने प्राकृतिक नियम हो गए, या वर्धन भी बोल सकते हैं इसको, यानी बढ़ाने वाला हो गया, पर्वत माने पर्वत हो गया, इसको गिरी भी बोलते हैं। ये शब्द बिल्कुल सार्थक है क्योंकि भारत के अंदर भिक्कुओं की परंपरा में जो समन परंपरा है, जितने भी भिक्कू हैं, क्योंकि वहां तो वैसे भी मौर्यों का शासन रहा है गोवर्धन पर्वत के आसपास, तो वो पूरी राजधानी वहां रही है और वहां बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी पूरी पूरी रही है जो मथुरा के नाम से जानी जाती है। तो गोवर्धन जो शब्द है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि पूरे भारत में भिक्कू एक एकांत स्थान चुनते हैं जो ऊंचा हो। जितने भी भारत में पर्वत हैं जहां रहने लायक पर्वत हैं, उन सब पे भिक्कुओं ने स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बनाए हैं और वहां पे जाके उन्होंने संवर्धन किया है धम्म का, संवर्धन यानी कि उनको बढ़ाया है, वर्धन किया है, वर्धन किया है उसको बढ़ाया है। ये शब्द बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए जो गौ शब्द है, गौ शब्द में कहीं भी कंफ्यूज ना हो, गौ के दो मीनिंग है, एक है कैटल यानी सब तरह के चार, बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर है। गौ माने भिक्कू भी होता है यानी कि जो जानकार होता है, और गौ माने कैटल भी होता है जिसमें गाय भैंस भी आती हैं। और भैंस शब्द पाली का नहीं है क्योंकि भैंस और भैंसा जो शब्द है वो बहुत बाद में आए हैं, भैंस में दो मात्राएं होती हैं इसलिए भैंस पाली का नहीं है। मगर भैंस यहाँ जो नीचे का जानवर है वो बड़ा फेमस है, वो इसलिए फेमस है क्योंकि उसके बहुत सारे मुहावरे आपने देखे होंगे, जैसे गई भैंस पानी में, या कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाना, या जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जैसे कहते हैं कि भैंस पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी, यानी कि गाना नहीं गाएगी। अब आप ये देखिए कि भैंस पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी, जबकि गौ यहाँ जो बोल जो लोगों की जानकारी में है वो गाय है, तो गाय गोबर करेगी तो भैंस क्या करेगी, भैंस बर करेगी, मगर भैंस बर नहीं करती है वो भी गोबर करती है। इसका मतलब गौ जो शब्द है वो सभी कैटल सभी जानवर के लिए आता है, इसलिए कंफ्यूज ना हो। और भगवान बुद्ध और उनके अनुयायी दुनिया के सबसे बड़े गौ रक्षक और गौ रक्षक रहे हैं, वो आज भी हैं, पहले भी थे, और उन्हीं से गाय बची हैं, उन्हीं से कैटल बची हैं, उन्हीं के नाम ये तगमा है, और इसीलिए उनके बहुत सारे लोगों को गोरखा या गौरखा बोला जाता है। धन्यवाद। तो प्रश्न आया है, बड़ा वाजिब प्रश्न है और बहुत ही बुद्धिजीवी, कह सकता हूं कि दो तीन बुद्धिजीवी लोगों की तरफ से आया है। कहते हैं कि आपकी हर बात पाली पे आकर रुकती है, पहली बात तो यह है, और दूसरा यह है कि आप ने जितने भी फेस्टिवल बताए हैं टीम 22 की वीडियोस में, लगभग सारे ही भारत के फेस्टिवल कुछ को छोड़कर, वो सभी मूल निवासियों के फेस्टिवल आपने, यानी जो उत्सव हैं, जो उत्सव के या जो जिसको त्यौहार बोलते हैं या फेस्टिवल बोलते हैं, वो सारे के सारे ही आपने ये सिद्ध कर दिए कि वो पाली से बने हुए हैं और भारत के मूल निवासियों के हैं। कुछ मुझे उनका एतराज सा लगा और यहाँ ये जवाब देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वीडियोस काफ़ी लोग देख रहे हैं और आगे शेयर भी कर रहे हैं, तो कोई संशय ना रहे, कोई भ्रम ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर भ्रम है तो उसको दूर होना चाहिए। कोई भी आक्रांता या कोई भी इन्वेडर या कोई भी लड़ाका या कोई भी योद्धा, या जब भारत के लोग भी अगर कहीं युद्ध करने जाएंगे, या भारत में जो लोग युद्ध करने के लिए आए और यहाँ आके रहे या बसे, ये एक ध्यान देने वाली, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब आदमी युद्ध करने जाता है तो अपने साथ में अपनी स्त्रियां लेके नहीं जाता, ये बात सब जानते हैं। तो दूसरी बात ये भी सत्य है कि कोई भी युद्ध करने वाला अपने साथ अपने फेस्टिवल लेकर नहीं जाता। फेस्टिवल हमेशा, त्यौहार या उत्सव हमेशा
बहुत सालों में विकसित होते हैं और वहीं विकसित होते हैं जहां लोग रहते हैं, यानी लोगों का जो समूह जहां रहता है उसका कोई ना कोई कारण है। जैसे भारत में जितने भी फेस्टिवल हैं वो मोस्टली कृषि प्रधान हैं, या तो फसल बोई जा रही है, या फसल कट रही है, या फसल पक रही है, या फसल आने वाली है, या फसल आ चुकी है। सारे जितने भी फेस्टिवल हैं वो लगभग फार्मिंग के ऊपर, किसानों के ऊपर, खेती के ऊपर बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ के सारे लोग खेतिए थे। खेतिया का बाद में आधा के और ख को छह बनाया गया तो खेतिए बोला गया। तो जितने फार्मर हैं, खेतिए लोग हैं, उन सबके फेस्टिवल हैं। और वो लोग तो बाहर गए नहीं इंडिया से, बाहर के लोग यहाँ आए तो आने के बाद में यहीं के फेस्टिवलों को उन्होंने या तो अपना नाम दिया, या उस पर अपनी मोहर लगाई, या उसमें वो शामिल हो गए, या उसको थोड़ा सा चेंज किया, या उसमें कुछ अपना मिक्स किया, या उसका थोड़ा सा हिस्सा भुला दिया, कुछ भी किया, मगर फेस्टिवल यहीं के हैं। फेस्टिवल कभी बाहर के नहीं होते। भारत के लोग जब युद्ध करने जाएंगे, और सपोज अगर वो कल को अमेरिका पे कब्जा कर लें, तो अमेरिका में जो ईस्टर बनता है, या अमेरिका में जो गुड फ्राइडे बनता है, या अमेरिका में जो क्रिसमस बनता है, क्योंकि अधिकतर जनसंख्या लोग तो अमेरिकन लोग ही रहेगी, भारत के लोग तो मुट्ठी भर जाएंगे, पूरा भारत उठ के तो जाएगा नहीं अमेरिका पे कब्जा करने के लिए या लड़ने के लिए। तो वहां अगर भारत ने रूल भी कर लिया तो जो ईस्टर है, जो क्रिश्चन है, वहां के लोग तो मनाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि वहां शासक अगर भारत हो जाए और वो कहे कि अब जो क्रिसमस बनेगा उसमें पटाखे भी छूटेंगे, या अब जो ईस्टर बनेगा उसमें हलवा पूड़ी भी चलेगा, या अब जो क्या बोलते हैं गुड फ्राइडे बनेगा तो उसके अंदर रंग खिला जाएगा, ये हो सकता है चेंज, मगर वहां का मूल फेस्टिवल नहीं होगा। तो इसलिए फेस्टिवल मूल पाली के अंदर छुपे हुए हैं। जब हम वीडियोस बनाते हैं तो इस वीडियोस की बाकायदा बहुत सारा अनुसंधान करने के बाद बनाते हैं, और पाली क्या बोल रही है हम वो बताते हैं। हम क्या बोल रहे हैं हम ये नहीं बताते। बेसिकली हमारे पास में और कोई भाषा है भी नहीं। हिंदी जितनी भी भाषा है, हिंदी का तो शब्द भी बहुत बाद में आया है, तो हिंदी को ही पाली है। भारत की जितनी भाषा है वो पाली है। वो पाली किस लिए है और क्यों है? क्योंकि एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति का हमारे पास में फोन आया, उन्होंने कहा कि जी पाली तो मगध के थोड़े से एरिया में थी, इसको मगधी बोला करते थे। वो बिल्कुल ठीक करें, पाली बहुत छोटे से हिस्से में थी, इसका पुराना नाम मगधी था, और उससे भी इसका पुराना नाम था जो राजा प्रसन्नजीत के नाम से थी, उसके नाम से बोली जाती थी। तो जो मगधी है, यानी मगध की है, और मगध से पहले जो उसका जो पूरा क्षेत्र है वहां के ये नाम से जानी जाती है, मगर बाद में अशोक के समय में तो ये ईरान तक चली गई, उधर बर्मा तक चली गई। तो आप ये सोचिए कि जब राजा की भाषा, जब राजा आता है तो वो अपनी भाषा का भी विस्तार करता है, और ये पूरे भारत में फैल गई। जैसे इंग्लिश जो लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, जब वो पूरी दुनिया में आए तो उन्होंने अंग्रेजी फैला दी। जैसे अरब लोग भारत में आए और भारत में आकर उन्होंने राज किया तो यहाँ अरबी फैला दी। अरबी की बाद में उर्दू बनी। उर्दू और पाली लगभग मिक्स हैं। पाली को और अरबी को मिक्स करके उर्दू बनाया गया, जो यहाँ की भाषा है। तो इसलिए जो टोटल जो भाषा है वो पाली ही है, और हिंदी अधिकतर पाली है। हिंदी में कुछ वर्ड इंग्लिश के हैं, कुछ वर्ड अरबी के हैं, कुछ वर्ड कहीं और के भी हैं, मगर मूल जो है इसका और जो पैटर्न इसका चलता है वो पाली पे चलता है, क्योंकि पाली प्राकृतिक भाषा थी। इसलिए कोई भी जानकार, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कभी भी भाषा को खोलेगा या देखेगा या खोदेगा, या जो वो खुद भी बोल रहा है, तो वो लास्ट में जानेगा कि ये पाली ही है। थोड़े थोड़े चेंज किए हुए हैं, वो चेंज हम समय समय पर बताते रहते हैं, आप देखते रहते हैं, प्रश्न आपके आते रहते हैं, जवाब हम देते रहते हैं। इसलिए फेस्टिवल सारे भारत के हैं, कुछ फेस्टिवल को छोड़ के। जैसे अक्रांता अपने साथ लेके आए, जो अरबी लोग लेके आए, वो जो मुस्लिम फेस्टिवल हैं वो भारत के नहीं हैं, उनकी छाप अलग है, उनकी बात अलग है, वो यरूशलम से चलते हैं, इज़राइल से चलते हैं, वो यहाँ के भी नहीं हैं, इसलिए उनके फेस्टिवल वहाँ से चलते हैं। जो क्रिश्चियंस के फेस्टिवल हैं वो वहाँ से चलते हैं। कुछ फेस्टिवल बाद में डेवलप हुए हैं पाली के बाद में, जैसे सिख जो हैं, सिखिज्म के जो फेस्टिवल हैं, गुरु नानक के हैं, या कबीर की छुट्टी हो, प्रचारक हुए हैं उनकी होती है, वो बाद के हैं। तो इसलिए ये चलते रहते हैं, इसका कहीं कोई ना ही बुरा मानना चाहिए, ना ही इसका अच्छा मानना चाहिए। हाँ, तर्क पे जरूर कसना चाहिए, और तर्क पे कस के देखिए कि फेस्टिवल कौन से यहाँ के हैं और कौन से फेस्टिवल बाहर के हैं। आपके फेस्टिवल अगर आपको वापस मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको लगता है कि आपको नहीं चाहिए तो मत लीजिए, अच्छी बात है। आपको लगता है कि ये मत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ लोगों को ये मत अच्छा लगता है तो उनके लिए ठीक है।
हमारा मकसद जानकारी देने का है। हम जानकारी देते हैं, आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपके ऊपर है। हम सभी के वेलविशर हैं, सबका मंगल हो। ये जो टीम 20 चैनल है, ये जानकारी बिल्कुल समानता के साथ में, एक रूप के साथ में सबको देता है। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना सभी देने में, यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.